प्रकार के ब्रेक और चार ही प्रकार की रोड। ब्रेक कौन कौन से हो गए? हाइड्रोलिक ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, ड्रम ब्रेक और मैकेनिकल ब्रेक। थोड़ा पीछे हो जाओ बड़ा। कौन कौन से हो गए उधर? चलो, हाइड्रोलिक ब्रेक, प्रेशर ब्रेक और ड्रम ब्रेक और मैकेनिकल ब्रेक। प्रेशर ब्रेक जो है जिसमें गाड़ी में एयर टैंक होता है उसका प्रेशर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक जिनके ज़्यादातर टाटा की गाड़ियों में होता है, और ड्रम ब्रेक मोटरसाइकिल और जो अपनी जो मारुति और कारें होती हैं इनके अंदर में कौन से ब्रेक होते हैं? ड्रम ब्रेक होते हैं। मैकेनिकल ब्रेक यानी स्वयं मैकेनिक के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे रिक्शा वगैरह के अंदर में इस्तेमाल किए जाते हैं। चार प्रकार के ब्रेक और चार ही प्रकार की रोड। एक पहली रोड कौन सी होगी? NH नेशनल हाईवे। उसको पहचानने के लिए किस, जैसे रोड चिन्ह कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। इसी प्रकार से आप कहाँ पर चल रहे हो, दुर्घटनाओं से चालक को बचाने के लिए और यातायात को सही दिशा में चलाने के लिए वाहन अधिनियम 1988 की तमाम प्रकार की धाराओं में समय समय पर जो है संशोधन किया जाता है, और लगातार चिन्ह और वो बनाए जाते हैं जिससे कि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो आप यदि किसी रोड पे चल रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेशनल हाईवे की क्या पहचान है? जो माइलस्टोन लगा हुआ है जिसका ऊपर का हिस्सा कैसा है? पीला। किस कैसा है? पीला। तो इसका मतलब क्या है? नेशनल हाईवे। फिर दूसरा, स्टेट हाईवे पे चल रहे हो तो उसका उसके ऊपर का हिस्सा कैसा है? हरा। तो उसका क्या मतलब चल जाएगा? स्टेट हाईवे पे। डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे चल रहे हो तो उसका मतलब ब्लैक, और नीचे चॉकलेटी और लाल कलर का माइलस्टोन है तो समझ लो आप ग्रामीण ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की रोडों पे चल रहे हो। चार प्रकार की रोड और चार ही प्रकार के ब्रेक। बात समझ में आ गया? तीसरा आ गया, अभी हम इसकी जो है बात करेंगे। इसमें हमने जो है ब्रेक की बात किया, टायर्स की बात कर ली, अभी हम आएंगे जो है फ्यूल। एक आया था अंतर्दहन और बाह्य दहन इंजन। अभी इंजन कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। ताप किससे मिलता है? पेट्रोल या अभी आ गया दहन के हिसाब से, जलने के हिसाब से। गाड़ियों के अंदर में ज्वलन के हिसाब से जो है तीन ही प्रकार की गाड़ियां, इसके हिसाब से तीन ही प्रकार का रजिस्ट्रेशन और तीन ही प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस, और तीन ही कारण एक्सीडेंट होने के तीन कारण। तीन ही प्रकार के ईंधन से गाड़ी चलाई जाती है, और तीन ही प्रकार की जो है लाइसेंस कैटेगरी होती है, और तीन ही कलर का जो है कलरों का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन में किया जाता है। बात समझ में आ गया? तीन का फोर फिगर समझ में आपको आ गया? तीन प्रकार के लाइसेंस कौन से हैं? लर्निंग, लाइट और हैवी। कौन कौन से हैं? लर्निंग, लाइट और हैवी। लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, और उसकी वैध सीमा कितनी होती है? 6 महीने। 6 महीने। और जो है लाइट लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 साल। उसकी वैध सीमा कितनी होनी चाहिए? 10 या 20 साल तक की उसकी वैध सीमा देते हैं। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष। उसकी वैध सीमा कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष। 3 वर्ष से 5 वर्ष कब कर दिया गया? वाहन अधिनियम 1988 संशोधन 2019 में जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस की है, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैध सीमा थी वो पहले 3 वर्ष थी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। क्लियर हो गया? तीन प्रकार के लाइसेंस हो गए। क्लियर हो गया आपको? वैध सीमा पता हो गया। अभी जो है तीन प्रकार के जो है ईंधनों से गाड़ी चलती है, पेट्रोल, डीजल और गैस। गैस ईंधन ही है एक तरीके का। बात समझ में आ गया? तीन प्रकार के हो गए, पेट्रोल, गैस और ईंधन। समझ में आ गया? अभी गैस का इस्तेमाल क्यों किया जाने लगा? प्रदूषण को कम करने के लिए। CNG का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल गैस, उसका इस्तेमाल करने के लिए इसलिए किया गया कि जो डीजल और पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती हैं तो उनमें एक हानिकारक गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके लाइस दिल्ली पुलिस में भी आया था। कार्बन मोनोऑक्साइड
एक जहरीली गैस निकलती है जो ओजोन परत को प्रभावित करती है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण होती है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया, अच्छी प्रणाली का इस्तेमाल किया, सीएनजी का, फिर उसके बाद में सीएनजी कर दिया, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक, और फिर भी डीजल पेट्रोल जो है ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, पेट्रोल और डीजल को जो लिक्विड होती है ब्लैक कलर की, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। आज पूरे विश्व में जिसके पास ज़्यादा ब्लैक गोल्ड है वो ही जो है विश्व का सबसे ज़्यादा धनी देश है, यानी अपनी क्षमता पूरी करने के बाद वो दूसरे देशों को बेचता है। हर आदमी, किसी को सोना मेरे को नहीं चाहिए, पर मेरे देश को कम से कम जो है पेट्रोल डीजल तो चाहिए जिससे मशीनरी चलेगी। अरे समझ गए, ईरान इराक और कुवैत के पास क्या है, मिट्टी के टिल्ले हैं, पर उनके नीचे क्या है, तेल है, इसीलिए उसको हर देश दे रहा है। बात समझ में आ गया। तो क्या बता रहा था, तीन प्रकार का क्या हो गया, ईंधन हो गया, चौथा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। एक्सीडेंट होने के तीन कारण हो गए, कौन कौन से हो गए, रोड कंडीशन, व्हीकल कंडीशन और वेदर कंडीशन। रोड कंडीशन कौन सा हो गया, जो मतलब रोड का टूटा फूटा होना, उबड़ खाबड़ होना। वेदर कंडीशन, अचानक से भूखलन हो जाना, तेज बर्फीली हवाओं का आना, पहाड़ का गिर जाना, ये कौन सा हो गया, वेदर, यानी मौसम की वजह से जो एक्सीडेंट हो गया वो। और चौथा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा होगा, व्हीकल कंडीशन, कौन सा हो गया, व्हीकल कंडीशन। ये थ्री का फिगर जो है, आप ड्राइवर का मॉक टेस्ट देंगे, थ्री का फिगर सबसे ज़्यादा है अब इसके अंदर में। फिर जो है तीन प्रकार के जो है यातायात संकेत हो गए, कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के, कौन कौन से हो गए, ना 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 ना, ये रोड संकेत हैं तीन प्रकार के। पहला कौन सा हो गया, लाइट के मतलब सर वो लाइट से देते हैं ना, रेड ब्लैक और पीला, इलेक्ट्रॉनिक संकेत, इलेक्ट्रॉनिक संकेत। दूसरा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले संकेत। और तीसरा रोड संकेत, रोड संकेत फिर तीन प्रकार के हो गए, आदेशात्मक, सचेतात्मक और सूचनात्मक। मेरी बात समझ में आ गया। अभी आपको जैसे मतलब आप ट्रैफिक पुलिस देती है ना, ऐसे हाथ कर दिया, इसका मतलब रास्ता कहाँ से है, इधर से है। फिर एक प्रकार का, एक इसके अलावा एडिशनल और एक चौथे प्रकार का होता है, जो चालक के द्वारा दिए जाने वाले यातायात संकेत। आपके पीछे गाड़ी चल रही है तो पीछे वाली गाड़ी की गति स्लो करने के लिए क्या, कौन सा संकेत दोगे, अपना राइट हैंड बाहर निकालोगे और जमीन की हथेली नीचे की तरफ सतह करते हुए तीन बार नीचे करेंगे, ये चालक के द्वारा दिए जाने वाला कौन सा संकेत है, पीछे वाली गाड़ी की गति को सीमित कराने के लिए। बात समझ में आ गया। दूसरा पीछे वाली गाड़ी को रोकने के लिए, अपना हाथ सीधा पैरलर खड़ा करता है एक चालक इस प्रकार से, और वो सीधा नीचे की तरफ तीन बार दबाता, इसका मतलब पीछे वाले वाहन को रोक लीजिए। अपने राइट साइड जाने के लिए या तो डिपर का इस्तेमाल करो, डिपर नहीं है तो हाथ के द्वारा दिए जाने वाला यातायात संकेत क्या है, अपने शोल्डर को बिल्कुल सीधा घुमाइए और क्लॉकवाइज जो है ऐसे घुमाओगे तो आपका क्या संकेत हो गया कि आप राइट साइड जाएंगे। बात समझ में आ गया। ये किसके द्वारा, इधर देख लीजिए, चार प्रकार के जो संकेत हैं जो चालक के द्वारा दिए जाते हैं, तीन प्रकार के संकेत हैं जो रेड लाइट, जो इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते हैं, जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, लाइट के द्वारा, रेड, पीला और हरा, तीन प्रकार के यातायात चिन्ह हैं जो है, कौन से हो गए, आदेशात्मक, सचेतात्मक और सूचनात्मक। और चौथा कौन सा हो गया, एडिशनल, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले। अब चालक के द्वारा दिए जाने वाले यातायात संकेत आपको बता देता हूँ, चार प्रकार के हैं। आपसे कभी भी पूछ लेगा, आप ड्राइवर का मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपसे पूछेगा कि आप जो है बताइए कि आप जो है गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने जो है भीड़ भाड़ का इलाका है, तो पीछे वाली गाड़ी की गति कम करने के लिए संकेत दे के दिखाओ। तो सबसे पहले देख लीजिए, पीछे वाली गाड़ी का संकेत कम, गति कम करने के लिए क्या है, आप जो गाड़ी चला रहे हो, भारत में जितनी भी गाड़ी हैं राइट हैंड है, राइट हैंड स्टेयरिंग है, और विदेशों में कौन सा है, लेफ्ट हैंड होता है। तो अपने राइट हाथ से स्टेयरिंग को कंट्रोल करते हुए लेफ्ट हाथ से राइट हाथ को बिल्कुल बाहर निकालें और अंगुली और अंगूठा मिलाते हुए हथेली का रुख नीचे की तरफ, और अपने हाथ को तीन बार नीचे से ऊपर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, पीछे वाली गाड़ी को गति को मतलब रोक
गति को कम करने के लिए। बात समझ में आ गया? दोबारा देख लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे वाली गाड़ी की गति करनी है, हाथ को पैरेलल निकालिए, 3 बार नीचे ऊपर करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? गति को कम करना। पीछे वाली गाड़ी को रोकने के लिए चालक के द्वारा दिए जाने वाला यातायात संकेत, अपने हाथ को सीधा कीजिए, हथेली का रुख सामने और 3 बार ऊपर और नीचे करेंगे, इसका मतलब पीछे वाले चालक को क्या संकेत है कि आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। आपकी गाड़ी का जो है डिपर नहीं जल रहा है और आप रोड पे चल रहे हो और आपको राइट साइड में गाड़ी लेना है, तो आप पीछे वाली गाड़ी को चालक के द्वारा दिए जाने वाला यातायात संकेत कैसे देंगे? अपने हाथ को बिल्कुल सीधा निकालना, सीधा निकालते क्लॉकवाइज 3 बार जो है घड़ी के रुख में घुमाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप कहाँ जाएंगे? राइट साइड में। लेफ्ट साइड जाएंगे तो इसका उल्टा है, एंटी क्लॉक 3 बार घुमाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड में आप जो है जाएंगे, चालक के द्वारा दिए जाने वाले हो गए। और जो है रोड संकेत हैं जो है 3 प्रकार की आकृतियों में होते हैं, आदेशात्मक वृत्त में होते हैं, सचेतात्मक त्रिभुज में होते हैं, सूचनात्मक किस में होते हैं? आयत के अंदर में होते हैं। बात समझ में आ गया? अभी रोड की हम बात कर रहे थे, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर में एक चालक को अगले चालक से अपनी गाड़ी को पीछे रखना चाहिए? कोहरे में, बारिश में, भीड़ भाड़ में, बताइए। बारिश में, वेदर कंडीशन, बारिश की टाइम में आप सबसे अच्छा कंडीशन वही है कि बारिश की टाइम में यदि आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो तो आपको अगली गाड़ी से ज़्यादा दूरी यूँ रखनी पड़ेगी कि बारिश के टाइम में ब्रेक नहीं लगते, क्योंकि लेदर जो होते हैं गाड़ी के वो गिल्ले होते हैं, कोहरे की बजाय बारिश में आप जो है दूरी ज़्यादा रखें। बात समझ में आ गए? क्योंकि कोहरे के अंदर में फोग लाइट कैसे कलर की होती है? पीले कलर की होती है। अभी इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक संकेत हो गए, उसमें रेड कलर का मतलब है आपको गाड़ी को रोकना है, ग्रीन कलर का मतलब है आप चलना है, पीले कलर का मतलब चलने के लिए तैयार हो जाओ चलने, और पीले कलर की लाइट यदि रुक रुक के